Hi students, my name is Faiz Shakir. Welcome to first lesson of your history, the rise of nationalism in Europe. Europe में राष्ट्रवाद का उदय. बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 4 को कंटिन्यू करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कहता है, On the bitterly cold morning of 18th January 1871, An assembly comprising the princes of the German states, representatives of the army, important Persian ministers, including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in the unheated hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by Kaiser William I of Persia. कहता है क्या कि 18 जनवरी 1871 को, जिस दिन बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही थी, उस दिन जर्मन स्टेट्स के जितने भी राजकुमार थे, उसके अलावा आर्मी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो इम्पोर्टेंट पर्सियन मिनिस्टर्स थे, खासकर जो है जो चीफ मिनिस्टर थे ऑटो वॉन बिस्मार्क, जिन्होंने जर्मनी को एक किया था, ये तमाम लोग जो है अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स, जो कि वर्साय के पैलेस में था, वहां पर ये तमाम लोग जो है वह जमा हुए और इन लोगों ने कैसर विलियम फर्स्ट को जर्मन अंपायर का राजा बादशाह घोषित किया. तो यहां पर बता रहा है कि आप देखेंगे कि 18 जनवरी 1871 को जर्मन अंपायर का जो है हेड जो है वह कैसर विलियम फर्स्ट को बनाया गया, जो कि पर्सिया के किंग थे. द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ पर्सिया, डोमिनेंस ऑफ पर्सियन स्टेट पावर. कहता है कि अब देखेंगे कि जो जर्मनी को जो एक करने की जो कोशिश जो थी, ये दर्शाता है कि पर्सिया जो है वह कितना ज्यादा मजबूत था, कितना ज्यादा ताकतवर था, कि उसने जो है वह 7 साल में 3 जंगें लड़ी ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, और फाइनली आप देखेंगे कि उसकी जीत होती है और वह जर्मनी को एक कर देता है, जर्मनी का यूनिफिकेशन जो है वह पर्सिया करता है. तो उसी चीज को यहाँ पर बता रहा है कि जर्मनी के नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में आप देखेंगे कि इस चीज का हमको पता चलता है कि पर्सियन स्टेट जो है वह कितना ज्यादा ताकतवर था. The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial systems in Germany. कहता है कि ये जो नया स्टेट जो था, मतलब ये जो जर्मनी जो एक हुआ था, जो नया जो जर्मन एम्पायर जो बना था, इसमें इसने जो है करेंसी के मॉडर्नाइजेशन पर, करेंसी के आधुनिकीकरण पर, बैंकिंग और लीगल सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम को बेहतर करने पर ज्यादा जोर दिया, उसको मॉडर्न करने पर ज्यादा जोर दिया. पर्सियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेज ऑफन बिकेम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी. कहता है कि ये पर्सिया ने जो जो कदम उठाए, आप देखेंगे वह जो है एक मॉडल के तौर पर उभरा जो है जर्मनी के और हिस्सों में. यानी कहने का मतलब है कि जर्मनी के जो दूसरे हिस्से जो थे, उनके लिए पर्सिया में जो जो कदम उठाए गए थे, वह एक तरह का जो है उससे वह प्रेरणा ले सकते थे, उससे वह सीख सकते थे, उनके लिए वह एक मॉडल था जिसके तौर पर वह अपने यहाँ पर भी करेंसी, बैंकिंग सिस्टम, लीगल और जुडिशियल सिस्टम को मॉडर्नाइज कर सकते थे. अब हम लोग जो है पढ़ेंगे इटली यूनिफाइड. अभी तक हमने पढ़ा कि जर्मनी जो है वह किस तरह से एक हुआ. अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 4.2 में कि इटली किस तरह से एक हुआ. आप देखेंगे कि इटली जो है वह पहले नेशन स्टेट नहीं था. कहता है कि लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन. कहता है कि जर्मनी के तरह ही इटली का भी जो है वह एक इतिहास था, इतिहास रहा, लंबा इतिहास रहा, कि वह छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था और हर हिस्से पर जो है
वह अलग अलग राजा जो है वह रूल करते थे। इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स एज वेल एज द मल्टी नेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर। कहता है कि जो इटालियंस थे, मतलब इटली के जो लोग जो थे, वह यानी कहने का मतलब है कि वहां पर बहुत सारी डायनेस्टी जो है उनके ऊपर रूल करती थी। एक तो जो है वो मल्टी नेशनल अम्पायर भी उनके ऊपर रूल करती थी जिसका नाम था हैब्सबर्ग अम्पायर। अब मल्टी नेशनल अम्पायर किसको कहते हैं, जैसे देखिएगा कि मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन होते हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज होती है, यानी कहने का मतलब वैसी कंपनी जो एक से ज्यादा देशों में मैन्युफैक्चरिंग करती है, बिजनेस को कंट्रोल करती है, वो मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन या मल्टी नेशनल कंपनीज कहलाती हैं। उसी तरह से मल्टी नेशनल अम्पायर का मतलब हो गया कि वैसा अम्पायर जो एक से ज्यादा देशों पर रूल करता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जर्मनी की तरह इटली भी वह बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ था, छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था, और इटली पर बहुत सारे डायनेस्टी जो है वह रूल करते थे। इवन वहां पर एक मल्टी नेशनल अम्पायर थी जो कि एक से ज्यादा नेशन पर रूल करती थी, आप देखेंगे कि वह जो है इटली पर भी रूल करती थी, जिसका नाम था हैब्सबर्ग अम्पायर। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स ऑफ विच ओनली वन सार्डिनिया पिडमोंट वॉज रूल्ड बाई एन इटालियन प्रिंसली हाउस। कहता है कि आप देखेंगे कि 19th सेंचुरी के मिडल में इटली जो है वह 7 हिस्सों में बटा हुआ था, मतलब 1850 में आप देखेंगे कि इटली जो है वह 7 हिस्सों में बटा हुआ था। 1850 में जब हम बात करें तो इटली जो है वह 7 हिस्सों में बटा हुआ था। सिर्फ उसका एक हिस्सा जिसका नाम सार्डिनिया पिडमोंट पिडमोंट था, वहीं पर सिर्फ इटली का राज घराना रूल करता था, बाकी जो 6 हिस्से थे वहां पर दूसरे जगह के लोग जो है वो रूल करते थे, दूसरे जगह की डायनेस्टी जो है वो रूल करती थी। द नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स। कहता है कि इटली का जो नॉर्थ वाला हिस्सा था, जो ऊपर वाला हिस्सा जो था, वहां पर ऑस्ट्रिया की जो हैब्सबर्ग एम्पायर थी वह रूल करती थी। मैंने बताया कि यह एक मल्टीनेशनल एम्पायर थी। द सेंटर वाज रूल्ड बाई द पोप। कहता है कि सेंटर पर पोप रूल करते थे एंड द साउदर्न रीजन्स वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। और कहता है कि साउथ मतलब नीचे वाला जो इटली जो था वहां पर आप देखेंगे कि स्पेन के बॉर्बन किंग्स जो है वह रूल करते थे। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मेनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन। मैंने बताया था कि यूरोप के मैक्सिमम हिस्सों में आप देखेंगे कि लोग जो है वह एक तरह के लैंग्वेज को नहीं बोला करते थे। आप देखेंगे जो इटली जो 7 हिस्सों में बटा हुआ था वहां पर भी लोग जो है वह एक तरह के लैंग्वेज को नहीं बोला करते थे, अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस को बोला करते थे, उनकी अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं थीं। अगले वीडियो में हम लोग जो है पढ़ेंगे कि इटली किस तरह से एक हुआ। आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा, एक बार आपको रिकैप करवा दें कि 18 जनवरी 1871 को जिस दिन बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी, उस दिन जो है आप देखेंगे कि जर्मन स्टेट्स के प्रिंसेज, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स, पर्सियन मिनिस्टर्स और इवन उसमें ऑटो वॉन बिस्मार्क जो जो कि चीफ मिनिस्टर थे पर्सिया के, ये लोग पैलेस ऑफ वर्साई के हॉल ऑफ मिरर्स में जमा हुए कैसर विलियम फर्स्ट को जर्मन एम्पायर का नया बादशाह घोषित करने के लिए। कहता है कि अब देखेंगे कि जब जर्मनी एक हो गया तो इसने जो है यहाँ की जो सरकार जो थी उसने करेंसी पर, बैंकिंग सिस्टम पर, लीगल और जुडिशियल सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया, उनके आधुनिकीकरण पर जो है वह ज़्यादा जोर दिया। और ये जो जो नया स्टेट जो था वह आप देखेंगे कि दूसरे जर्मनी जो रेस्ट ऑफ जर्मनी जो था उसके लिए एक मॉडल के तौर पर उभरा। फिर मैंने आपको बताया कि जर्मनी की तरह इटली भी जो है वह छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था, वहाँ पर अलग अलग डायनेस्टी जो है वह रूल किया करती थी। वहाँ पर एक डायनेस्टी थी जिसका नाम हैब्सबर्ग एम्पायर था, और ये जो है नॉर्थ में रूल किया करती थी, आप देखेंगे कि जो है साउथ में पोप रूल किया करते थे, सॉरी सेंटर में पोप रूल किया करते थे और साउथ में जो है बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन रूल किया करते थे। और कहता है कि आप देखेंगे
कि जो है सातों जो इटली जो था, इटली जो सात हिस्सों में बटा हुआ था, वहां पर लोग एक तरह के लैंग्वेज को भी नहीं बोला करते थे, लोग जो है वह अलग अलग तरह के लैंग्वेज को बोला करते थे। तो हम लोग जो है अगले वीडियो में देखेंगे कि इटली किस तरह से एक होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसको समझना। तो उम्मीद है कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वह अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग सेक्शन 4.2 को कंटिन्यू करेंगे, इटली यूनिफाइड। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। डैट्स ऑल, थैंक यू।